बड़ी खबर आ रही है नागौर जिले के मेरता से, जहां नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के पॉक्सो मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए हैं। गौरतलब है कि तीनों ही सगे भाई थे जो नाबालिग लड़की के स्कूल आते जाते समय इशारे करते, छेड़छाड़ करते, फुफ्तियाँ कसते। उक्त घटनाओं से परेशान पीड़िता के बाप ने मेड़ता में 22 सितंबर को मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर मेड़ता CI रोशन लाल सामरिया ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों समीर, परवेज और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। CI सामरिया ने बताया कि तीनों भाई मेड़ता के कादरी कॉलोनी के निवासी हैं। समीर पुत्र मोहम्मद रफीक, परवेज और अफजल पुत्र मोहम्मद रफीक और रिजवान पुत्र मोहम्मद रफीक तीनों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में पेश किया गया है। कोर्ट ने पॉक्सो के तीनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है।